हिडन कैमरे ने खोला पत्नी की काली करतूतों का राज, मगर पत्नी की चालाकी से उल्टी पड़ गई पति की पूरी चाल। बेहद हैरान कर देने वाली है पति पत्नी के धोखेबाजी की ये पूरी कहानी। गैर मर्दों से प्यार करती थी पत्नी तो पति को हुआ शक, सबूत इकट्ठा करने के लिए बेडरूम में लगवाया कैमरा। सच सामने आते ही खुद पति को हो गई 3 साल की जेल। पत्नी की शर्मनाक हरकत का सबूत लेकर कोर्ट पहुंचा पति। शुरू हुई सुनवाई तो पत्नी का दौड़ा गठिया दिमाग, रखी ऐसी दलील कि खुद पति पर आग बबूला हो गए जज साहब, सुना दी 3 साल की सजा। इसमें कोई शक नहीं कि हर व्यक्ति अपने रिश्ते में पार्टनर से ईमानदारी की उम्मीद रखता है, लेकिन कई बार वैसा कुछ नहीं हो पाता जैसा हम लोग सोचते हैं। खासकर प्यार में जब लोगों को धोखा मिलता है तो इंसान टूट जाता है और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। दुनिया उसे नीरस लगने लगती है और उत्साह खत्म हो जाता है। प्यार में धोखे से जुड़े कई किस्से आपने आज तक पढ़े और सुने होंगे, लेकिन कई बार ये धोखे के किस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हम लोग दंग रह जाते हैं। ऐसी एक कहानी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये हैरान कर देने वाला किस्सा चीन से आया है, जहां फैन नाम के एक शख्स को अपनी पत्नी पर ही शक हुआ और उसने अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसके लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक में हिडन कैमरे लगा दिए, जिसके बाद उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला उसके साथ कि उल्टा वही जेल में पहुंच गया। निचली अदालत में उसने इस बात को लेकर विरोध भी दर्ज किया, लेकिन ये केस उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया और उसे 3 साल की जेल हो गई। वैसे आपके दिमाग में आप ये आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिसे कि उसे ही जेल जाना पड़ा। जो भी हस्बैंड वाइफ है उनकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। दरअसल अपनी पत्नी को जेल पहुंचाने के लिए शख्स ने जो कैमरे लगाए थे उसमें उसने अपनी पत्नी को पकड़ तो लिया और उस सबूत को कोर्ट के आगे पेश भी किया, लेकिन यही चाल उस पर उल्टी पड़ गई। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ सिविल डैमेज के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर कर दिया। केस से पहले पत्नी एक स्थानीय पुलिस स्टेशन गई और अपने पति पर बिना उसकी सहमति के कैमरे लगाने का केस दर्ज करा दिया और उस पर आरोप लगाया कि इसमें उसकी दखलअंदाजी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। अब उसके केस से पहले उसकी पत्नी ने ही केस कर दिया। ऐसे में युआन उच्च न्यायालय ने हाल ही में उसकी अपील खारिज कर दी और मूल फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में उसे पहले 3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और इस अजीब से मामले में आधुनिक तकनीक पर भी प्रभाव डाला है। ताइवानी और चीनी सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। कई यूजर जहां पति का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर से जानना चाहूंगी कि इस विषय में जो भी हस्बैंड वाइफ है उनकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आप भी ऐसी कुछ समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे साथ अपनी समस्या जरूर शेयर कीजिए। ऐसी अनोखी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही।